झारखंडी अपनी बात करने वाले एक सम्मानित साथियों को साहब साहब पंचासी नाम सम्मानित नेता गणों को और आज आप सबों के दुलारे आप सबों के चहेती जिसका आप लोगों ने नामांकन करवाया है भाई जयराम जी का, आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है ये भागीदारी सुनिश्चित करनी है। आप में जो जोश है, जज्बा है, जुनून है, उसे मतदान के रूप में परिणत करना है आने वाले दिनों में, जो आपका 25 मई को तय होगा। आप लोग खटियान और खतियानी की पाठशाला में पके हैं, आप लोग परिपक्व हैं, आपके तुलना में कोई आपने सामने टिकता नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का हो, क्योंकि आप आज धर्म के साथ हैं, न्याय के साथ हैं। आज आप खतियानी की बात करते हैं, खतियानी की बात करते हैं, यहाँ की माटी पुत्रों और पुत्रियों की बात करते हैं, एक एक बच्चों की बात करते हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां, आने वाले दिन हमारा कैसे हमारे बच्चों को रोजगार मिले उसकी बात करते हैं। आज तक जो हमें मान सम्मान नहीं मिला है, पहचान नहीं मिला है, उसे आप गिराने की कोशिश करते हैं, उसकी बात करते हैं। इसीलिए आपके सामने कोई टिकता नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो सत्ता में शामिल व्यक्ति हो या फिर राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुका मंत्री क्यों ना हो। जो व्यक्ति कभी छात्र संगठन की बात किया करता था, आज उसे पार्टी बना दिया है, और उसके बाद आज क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति पर लगा हुआ है। आज वो छात्रों के हित से कोसों दूर है, छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करता है। तो आज आपका समय है, आज खतियानी का समय है, आज जयराम का समय है, जयराम को जिताने का काम करें, ताकि ताकि आने वाले दिनों में आपकी समस्याओं को, एक एक बुनियादी समस्याओं को छात्र हित में, या फिर विस्थापन के सवाल पर, या फिर हमारे खतियानी के सवाल पर सवाल जवाब कर सके सदर स्थल पर। आपको हम यही कहने दिल्ली से चलकर आए हैं।